गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 मेरी पहली विदेश यात्रा का अभ्यास स्पीकिंग स्किल यानी कि लेखन कौशल करेंगे। इसको बेटा ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। ये पुस्तक का काम पुस्तक में भरना और प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की रीडर की अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेखन कौशल का अभ्यास। क्या सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। पहला है, लेखक दूरदर्शन पर निरंतर कार्यक्रम देता आ रहा था, तो ये बेटा हमारा राइट है। सेकंड, ये लेखक की पहली विदेश यात्रा थी, राइट। लेखक के शिष्य एयरपोर्ट पर मालाएं लेकर आए थे, राइट। लेखक पूरी यात्रा में मालाओं से लदा रहा, ये रॉन्ग। हवाई अड्डे पर लोग कलाकारों का जमावड़ा था, ये भी राइट। तो अब अभ्यास 6, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है, गर्मी के कारण भी निरंतर डैश छोड़ रही थी। बेटा इसमें वर्ड है धूल और भाप, तो इसका सही है भाप। मैंने सोवियत संघ का इतिहास डैश से पढ़ा, मनोयोग या मनोरोग, तो इसमें आएगा मनोयोग। तीसरा, लेखक ने साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी में डैश खंगाली, पुस्तकें या अलमारियां, इसमें आएगा पुस्तकें। नेक्स्ट, मुझे डैश के रूप में सोवियत संघ जाना था, कवि या उद्घोषक, तो इसमें आएगा उद्घोषक। नेक्स्ट, लेखक नई दिल्ली स्थित उनके डैश केंद्र भी गया, इसमें सांस्कृतिक या सामाजिक, सांस्कृतिक। तो अब हम अभ्यास ग्यारह करेंगे, किसने किससे कहा। पहला वाक्य है, आप किस भाषा में दुभाषिया चाहेंगे, हिंदी में या अंग्रेजी में, तो इसका आएगा किसने कहा, सोवियत संघ में किसी ने लेखक से। दूसरा, डू यू नो हिंदी, लेखक ने तान्या से, तुम्हें हिंदी आती है, अनिल ने तान्या से। फोर्थ, ये शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, अनिल ने लेखक से। पांचवा, डू यू नो कोमल जी बी सिंह, लेखक ने तान्या से। अब अभ्यास गया, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों के सामने क्रमांक, मतलब कौन सा ये जो वाक्य पढ़ने जा रहे हैं किस क्रमांक पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा या 3 पे, ये लिखना है। फर्स्ट है, मास्को पहुंचने के 6-7 घंटे बाद ही अनिल मुझे मिल गए, तो ये बेटा सीरियल के हिसाब से नंबर 2 पे आएगा। तान्या कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, ये नंबर 4 पे आएगा। वह हमारी मित्र बन गई, नंबर 6 पे। यहाँ लिफ्ट के भी कान होते हैं, नंबर 5 पे। स्वस्थ सोवियत नारी है, क्या हुआ जो भारी है, नंबर 3 पे। 6, सोवियत संघ की धरती पर उतरते ही शानदार अनुभूति हुई, ये नंबर 1 पे। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटे, ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। वीजा बनवाने के लिए लेखक को कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़े। वीजा बनवाने के लिए लेखक को जामिया से दूरदर्शन,
दूरदर्शन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना मंत्रालय से विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट कार्यालय, फिर दूरदर्शन, फिर मंत्रालय, फिर दूसरे मंत्रालय आदि के चक्र लगाने पड़े। सेकंड, विज्ञान भवन जाकर लेखक क्या जानना चाहता था और क्यों। विज्ञान भवन जाकर लेखक ये जानना चाहता था कि वहाँ कौन जाएगा कौन नहीं, क्योंकि आंखों देखा हाल सुनाते समय वह हवा में तीर नहीं चलाना चाहता था। तीसरा, दिल्ली के एयरपोर्ट के दृश्य का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है। दिल्ली के एयरपोर्ट के दृश्य का वर्णन बताते हुए कहा कि वहाँ उसके शिष्य मालाएं लेकर आए थे और इस तरह विदा कर रहे थे मानो वह चंद्रमा की यात्रा पर निकला है। हवाई अड्डे पर लोक कलाकारों का जमावड़ा था, कुछ सरकारी तंत्र के लोग, कुछ पत्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 4, अनिल जनविजय ने लेखक की सहायता किस प्रकार की थी। अनिल जनविजय रूसी जानते थे। वे लेखक को लेकर रेडियो स्टेशन पर गए और बातचीत करते हुए समझाते रहे, इस तरह उन्होंने लेखक की सहायता की थी। लास्ट क्वेश्चन, तान्या हिंदी ना जानने का नाटक कर रही थी, इस बात का पता कब चला। तान्या हिंदी ना जानने का नाटक कर रही थी, इस बात का पता तब चला जब उसने कहा कि अपने विषय में आपके विचारों से मेरा सहमत होना आवश्यक नहीं है महाशय। तो इस प्रकार बेटा ये हमारा स्पीकिंग स्किल हमने करा। कल हम इसका गद्यांश और भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल करेंगे। अब इसको आप भरने वाले अभ्यास को बुक में भरना और प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।